हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी क्लास में जल संसाधन हमारा एक लेसन है तुम्हारी एसएसटी की बुक में वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तुमने आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है। पहले तो संसाधन क्या होता है, कोई भी उपयोग की वस्तु या अपन यूं भी कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका मूल्य हो वो संसाधन कहलाती है। अब संसाधन जैसे अपन को पढ़ना है जल संसाधन, ये सारे ही संसाधन है, जितनी भी अपने आसपास की वस्तुएं जो अपने उपयोग की हो और जिनका मूल्य हो वही संसाधन होती है। इसमें ये अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। अब मैंने बताया ना जिस वस्तु का कोई भी मूल्य हो, मूल्य से अर्थ है कि जो अपने उपयोग की वस्तु हो, जल जब तक महासागरों में बह रहा है तब तक वो संसाधन नहीं है क्योंकि वो अपने काम का ही है। और जब अपन उसका उपयोग करते हैं बिजली बनाने में, अपने दिनचर्या के काम करने में, आर्थिक काम करने में, तो वो एक संसाधन बन जाता है। तो जल संसाधन आ गया समझ में कि संसाधन वो होते हैं जो जिस वस्तु का कोई मूल्य हो और जो अपने उपयोग की हो, तो यह संसाधन है। अब जल संसाधन पढ़ना है। अब अपनी पृथ्वी पर देखो ये लिख रखा, पृथ्वी के धरातल पर 71% जल है तथा 29% स्थल का भाग है। पूरी पृथ्वी का 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। लेकिन उस जल में से ये जो 71% भाग जल है ना, इसका 97% भाग, 97% भाग में जो टोटल जल है, जैसे अपन समझ लो 100% जल है, 100% का 97% जल तो सिर्फ महासागरों में है जो कि लवणीय है, खारा जल है, अपने कोई काम का नहीं है क्योंकि उसमें इतनी अत्यधिक लवणता की मात्रा होती है कि वह न तो अपने पीने के काम में आता है न अपने कोई भी और कार्य करने के काम में आता है। तो इसमें से आप एक बार इस वर्णन से समझ लेना कि इस 71% का मतलब जैसे टोटल जो जल है 100%, उसका 97% भाग महासागरों में है। अब 97 के बाद बचा कितना, 3% जल। अब 3% का जैसे इसका भी मान ले, 3 का 100% मान ले, तो 100% में से 69% जल तो हिम के रूप में जमा हुआ है। देखो ये मैंने लिख रखा हिम के रूप में जमा है पूरी पृथ्वी पर, ये जो ग्लेशियर वगैरह अपने बने हुए ना उनके रूप में जमा है, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ हुआ है। और उनमें से उसके बाद 100 में से 69% तो हिम के रूप में जमा है और 3% भाग भूमिगत जल के रूप में भूमि के अंदर ही रह जाता है, वो भी अपने कमी काम आता है। अब कितना बचा, 30% जल भूमिगत जल के रूप में है, देखो भूमिगत जल के रूप में, और बचा शेष 1%। अब ये 1% जो जल है ना, 1%, यही अपने काम में आता है। इससे अपन क्या क्या काम करते हैं, मानव अपने पेयजल में, सिंचाई में, उद्योग धंधों में, आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी करता है काम, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% जल का उपयोग अपन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने उपयोग का जल कितना है पृथ्वी पर, सिर्फ और सिर्फ 1%, 1% ही मीठा जल है और जो अपने काम में आता है। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि जो 97% भाग है वो तो बिल्कुल ही काम का नहीं है, वो तो महासागर में पाया जाता है, अत्यधिक खारा जल होता है। उसमें से 3% है, 3% का अपन 100% मानेंगे तो उसमें से 3% जल, 3% का यही है, आप इसका 97 में मान लेना, 3% जल पड़ा ही भाग अपन पढ़ रहे हैं। इसमें से 79% जल हिम के रूप में पाया जाता है और 30% जल भूमिगत जल के, भूमि के अंदर ही बहता रहता है, वो भी कमी काम आता है। उसमें से सिर्फ 1% जल ही अपने उपयोग के लिए मानव करता है। तो इसमें से आपको समझ में आ गया, देखो मैंने ये डायग्राम भी बना रखे हैं, आप अपनी कॉपी में उतार लेना। इनमें
टोटल ये पृथ्वी है, पूरी ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर पूरे भाग पर 100% अगर हम मानेंगे तो उसमें से 71% भाग पे तो जल पाया जाता है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। अब अपन क्योंकि जल संसाधन पढ़ रहे हैं तो अपन को ये 71% वाला भाग ही पढ़ना है। इसमें से 71% भाग में भी 97% मैंने बताया कि महासागरों में पाया जाता है, महासागरों में, और इसका भी 3% जल ही अपने उपयोग का रहता है। अब उस 3% जल का अपन किस प्रकार से उपयोग करते हैं, अब देखो ये डायग्राम बना रखा 3% वाले का, ये 3% वाला है। इसमें से 79% जल तो हिम के रूप में जमा हुआ है और 30% जल है भूमिगत जल के रूप में। अब कितना बचा, सिर्फ 1% जल बचा, ये हम लोग 1% जो कि मनुष्य के काम में आता है, मानव की क्रियाओं जैसे वो पेयजल में पीने के काम में लेता है, सिंचाई में, अपने उद्योग धंधों में, जितने भी क्रियाएं करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पृथ्वी पर। इसीलिए अब ये कहावत आपने भी सुनी होगी कि तीसरे विश्व युद्ध का तो पता नहीं लेकिन चौथा विश्व युद्ध सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होगा। क्यों कहते हैं ये, क्योंकि पृथ्वी पर, पृथ्वी को आपने 6th-7th क्लास में पढ़ाई था, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के 3 हिस्सों में पानी है और 1 हिस्से में स्थल का भाग है, फिर भी पृथ्वी पर पानी की कमी है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया वो जल उसमें से 97% जल महासागरों में पाया जाता है और 3% जल की अपन उपयोग हेतु ले सकते हैं। उसमें से भी 70% मान लो ये हिम के रूप में है, सिर्फ 1% जल और 30% जल भूमिगत जल के रूप में, सिर्फ 1% जल बचता है जो कि मानव के उपयोग के लिए किया जाता है। अब इतनी अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण, अब अपन ने पढ़ लिया जल कितना प्रतिशत भाग कहाँ पाया जाता है, अब इतनी अपन को पता ही है कि अपने पृथ्वी पर जनसंख्या कहाँ अधिक और कहाँ कम रहती है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने के कारण और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज्यादा विकास करेंगे। अब जैसे धीरे धीरे समय के अनुसार विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है, तो उसमें जल का अत्यधिक विनाश हो रहा है, कमी आ रही है, तो उसका प्रबंधन करने के लिए अब उसके जल को, क्योंकि जल तो सीमित है, ये तो घट नहीं रहा, घट तो रहा है लेकिन घट नहीं रहा, तो अब उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि इस जल का ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने अब अपना है आगे जल प्रबंधन, कि इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है कि सीमित मात्रा में अपन उसका उपयोग करके अपने आने वाले पीढ़ियों को भी अपन विरासत के रूप में वो चीजें उपलब्ध करवा सके। तो इसके लिए अनेक अपनी सरकार ने अनेक परियोजनाएं चलाई, अपने भारत की बात कर रहे हैं अपन, तो अनेक परियोजनाएं चलाई हैं, बहुउद्देश्य परियोजना। बहुउद्देश्य का मतलब होता है कि एक उद्देश्य नहीं, उसके कई उपयोग होते हैं। जैसे अपन नदियों में जल व्यर्थ बह रहा है, अगर उसका अपन उपयोग करते हैं, जैसे सिंचाई के रूप में करना है, अपन को बिजली के रूप में उसमें बांध बना दिए जाते हैं, तो बांध बना के उसमें एक तो जल का स्टोरेज किया जाता है कि जहाँ जल की कमी है वहाँ उसको सप्लाई करते हैं। दूसरा उसमें विद्युत निर्माण किया जा सकता है, बिजली बनाई जाती है। तो इस प्रकार एक ने कई उद्देश्यों से मतलब कई काम किए जाते हैं, इसलिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं शुरू की गई है कि नदियों जो जल है इसका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है प्रधानमंत्री के अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इन परियोजनाओं को क्या कहा, जो नदियों पर बनाई गई थी इन योजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर का आरंभ। नोट कर लो ये, आधुनिक भारत के मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर। क्यों कहा इन्होंने ऐसा, क्योंकि इन्होंने इस जल के जो महत्व था उस
इसको समझा और इन्होंने ये बताया कि अगर अपन इसी रफ्तार से जल का दुरुपयोग करते रहे तो अपने आने वाला समय में आने वाली पीढ़ी को अपन कुछ भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना जल के जीवन नहीं है, आपको पता ही है। तो इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार मंदिर में अपन पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने या भगवान का आदर करते हैं, इसी प्रकार अपन को ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे कि जल का भी उपयोग अत्यधिक किया जा सके। अब ये जो दो परियोजनाएं थी, ये दो तरह की परियोजनाएं बनाई गई, एक तो केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। केंद्र सरकार की आपको पता ही है कि केंद्र सरकार की योजनाएं वो होती हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं। इनमें इनका रख रखाव और खर्चा जो बनाने का, इनकी रख रखाव का जो खर्चा होता है वो केंद्र सरकार वहन करती है, और केंद्र सरकार ही क्या निर्णय करेगी कि कौन सी योजना पे कितना काम करना है, कौन सी योजना कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी, इसका उपयोग क्या है, वही केंद्र सरकार ये है डिसाइड करती है कि इस परियोजना का लाभ किन किन क्षेत्रों को मिलेगा, किन किन राज्यों को मिलेगा। यह बहुउद्देश्य परियोजना है, एक राज्य को मिलेगा या जो इसके लगते हुए जो क्षेत्र हैं दो राज्यों को उनको मिलेगा, यह केंद्र सरकार निर्णय करती है। इसलिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इनमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आपको नोट करनी है। देखो बांका नांगल परियोजना है, श्रीहन दामोदर हीराकुंड कोसी बेहरी परियोजना है, ये मुख्य मुख्य योजनाएं हैं। परियोजनाएं और भी हैं लेकिन यह है मुख्य परियोजनाएं हैं। अब हर सरकार के जैसे ये तो हो गई केंद्र सरकार के पूरे भारत में, लेकिन अब कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की होती है। जैसे किसी भी एक राज्य का उसमें अधिपत्य होता है, अधिकार होता है, और वो उसी का लाभ भी वही उठाएगा वो राज्य ही, और उसका खर्चा भी वही उठाएगा। तो ये राज्य की परियोजनाएं हैं। इसमें है चंबा चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर, मेघनाक्षी तथा फरक्का, माही, गंडक आदि। तो इन परियोजनाओं को राज्य सरकार इनमें ही काम करती है और राज्य सरकार ही इनका रख रखाव करती है। अब ये परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं, जैसे ये एक ही राज्य की नहीं होकर ये दो दो तीन तीन राज्यों की सम्मिलित, क्योंकि कोई नदी है वो एक राज्य से तो होकर गुजर नहीं सकती कि एक राज्य में ही वही, और हो सकता है उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो तो वो एक राज्य की हो जाए, वरना दूसरे राज्य में जहाँ जहाँ से वो बहती है तो उस पे उदारी को बांध वगैरह बनाए जाएंगे और उनका लाभ उस राज्य को मिलेगा। तो ये आपको याद करने में लिख कर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि राज्य सरकार की परियोजनाएं कौन सी हैं और केंद्र सरकार की परियोजनाएं कौन सी हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, आज अपन ने जल संसाधन पढ़ा है। जल संसाधन में सबसे पहले तो संसाधन क्या होता है कि मैंने बता दिया कि कोई भी उपयोग की वस्तु जिसका मूल्य हो, मूल्य से तात्पर्य यहाँ ये है कि जिसका अगर कोई मूल्य नहीं होगा, वैल्यू नहीं होगी, तो कोई संसाधन नहीं हो सकता। तो जल संसाधन पढ़ा है, जल संसाधन में मैंने बताया है कि पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। उस 71% भाग जल में से अभी मैंने बताया था कि 97% भाग तो महासागरों में खारा, बहुत ही खारा जल है, वो कोई उपयोग का नहीं होता है, तो उसको तो छोड़ दो। 3% भाग है जल है जो कि मानव के उपयोग में आता है, उसमें से भी 3% भाग में से भी 79% भाग तो इनके रूप में जमा हुआ है और 30% भाग भूमिगत जल में जमा हुआ है। अब उनमें से बचा 1%, से भी यही 1% जल ही मानव के उपयोग के लिए किया जाता है, उसी में सिंचाई पेयजल ये सारी चीजें उससे की जाती हैं। अब इतने कम जल का कैसे प्रबंधन किया जाए कि यह ज्यादा समय तक जैसे काम में आ सके, तो इसके लिए जल प्रबंधन है। तो जल प्रबंधन किया गया कि इस जल का ज्यादा से ज्यादा अपन उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई जिसे बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा गया है। कि इन पे जैसे बांध वगैरह बना के
एक से अधिक, जैसे वहाँ सिंचाई के लिए जल भी वितरित कर दिया जाता है, वहाँ बिजली भी बनाई जाती है, स्टोरेज भी हो जाता है जल का। तो यह सबसे पहले इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया था, आधुनिक भारत के मंदिर का नाम। अब है केंद्र सरकार की अलग योजनाएं, मैंने अभी आपको समझाया कि केंद्र सरकार में जो पूरे देश की योजनाएं बनती हैं और उन पे केंद्र सरकार ही उनका खर्चा वहन करती है और वही उन योजनाओं पे काम करती है। इनमें है बांधवगढ़ रीहम, दामोदर, हीरापुर, कोसी, ये भी परियोजना आदि। अब राज्य सरकार के अलग अलग राज्यों की है ये, चंबल, नागार्जुन सागर, भूमभद्रा, सरदार सरोवर, वीरपक्षी तथा फरक्का, माही, गंडक आदि। अब ये योजनाएं कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से राज्य की हैं, ये जैसे चंबल परियोजना है, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की योजना है, इससे आगे है नागार्जुन सागर परियोजना, यह आंध्र प्रदेश की है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों की है। अब अपन आगे बढ़ेंगे इनका वर्णन, सरदार सरोवर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों की सम्मिलित है। इसके बाद है मयूराक्षी तथा फरक्का, यह पश्चिम बंगाल की है, और माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान की है, और गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की है। तो इनको आपको लिखना भी, कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। अब आपका होमवर्क लिख लो, आपने जितना पढ़ा है उसमें से ये दो क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और आप साथ साथ अपना होमवर्क करते रहना, क्योंकि जितनी भी पूरे सप्ते का जो काम होगा वीक का, उसमें सैटरडे को आपका होमवर्क चेक होगा, सभी की कॉपी आपको सबमिट।